सपा नेता बालमुकुंद धुरिया ने किया भड़काऊ पोस्ट, हनुमान जी पर किया विवादित टिप्पणी, बालमुकुंद धुरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में राम रामप्रदाचार्य महाराज ने दिया विवादित बयान, बोली भारत में रहना है तो जय श्री राम वंदे मातरम कहना होगा। लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्यवाही, 5 निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन सील, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर हुई कार्यवाही। नेहा सिंह ने लॉन्च किया नया गाना, यूपी के बाद बिहार सरकार पर कसा तंज, बिहार में जंगल राज का किया जिक्र। देश में कोरोना फिर बढ़ा रही है टेंशन, कोरोना को लेकर आज बड़ी बैठक, स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पर करेंगे समीक्षा बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सपा विधायक प्रतिनिधि का एक भड़काऊ पोस्ट सामने आया है। अपने पोस्ट में सपा विधायक प्रतिनिधि बालमुकुंद धुरिया ने हनुमान जी को बंदर बताया है, जिसके बाद हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचा है। हिंदू समाज के लोगों में उनके पोस्ट को लेकर भारी रोष देखने को मिल रहा है। बता दें कि भाजपा नेता अतुल मिश्रा ने अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी, जिसके बाद बालमुकुंद धुरिया पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। गाजियाबाद, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के सुसाइड केस में सिंगर और फरार आरोपी समर सिंह को गाजियाबाद से हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सिंगर और प्रोड्यूसर समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। समर सिंह की गिरफ्तारी के गाजियाबाद की चार्म क्रिस्टल सोसाइटी से हुई है। देर रात वाराणसी पुलिस थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन पहुंची, जहां से समर सिंह को हिरासत में लिया गया था। अब बता दें कि गाजियाबाद कोर्ट ने समर सिंह को रिमांड पर भेजा है। बता दें कि सीजेएम कोर्ट ने समर सिंह को 24 घंटे में ट्रांजिट रिमांड दी है। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जिसके तहत 5 व्यावसायिक निर्माण सील किए गए हैं। बता दें कि आवासीय भू उपयोग में अवैध रूप से किए जा रहे 5 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया है। वहीं ये कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर की गई है। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोमती नगर, अलीगंज, मड़ियाव और जानकीपुरम क्षेत्र में आवासीय भू उपयोग के विपरीत अवैध रूप से किए जा रहे 5 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां निर्माण कार्य में लगी ट्रैक्टर मिक्सर मशीन पर बैठे मजदूर की गिरकर मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गोरिया गढ़ी गांव के पास का ट्रैक्टर में मिक्सर मशीन बांधकर जा रहे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे मिक्सर मशीन के ऊपर बैठे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मजदूर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल मजदूरों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां एक मजदूर की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्या घटना हुई है आपके साथ? अरे भैया, आगे से ना ट्रैक्टर आ रहा, पीछे मशीन दी रही। कौन सी मशीन थी? मिक्सर वाली। हाँ, तो क्या हुआ? फिर उधर से ना ट्रक वाला और बगड़ी टक्कर मार के चला गया, तो पलट गई थी क्या? पलटी नहीं रहा भैया, एक पहिया खाली कुदा लेना है ना। अच्छा, वही ना बगड़ी टक्कर मार दी पीछे। कितने लोग थे? अरे करीब 18 मशीन पर बैठे थे। मशीन पर नहीं, मशीन पर ट्रैक्टर, मशीन पर। मशीन कहाँ की थी? मशीन कहाँ की थी? दामोदर की। किसकी थी? धर्मू की। अभी कोई एक मिक्सर मशीन से घायल मजदूर आए, क्या है पूरा मामला? दो मरीज घायल अवस्था में यहाँ लाए गए एम्बुलेंस के द्वारा, जिसमें से एक की हालत बहुत नाजुक थी,
जो ये श्रीपाल सनाप मेड़ाई, उम्र 48 साल, और दोनों मरीज दामोदर खेड़ा के रहने वाले हैं, जिसकी एक की हालत काफ़ी नाजुक थी, जिसको लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। किसको ट्रामा सेंटर भेजा गया सर? ये श्रीपाल सनाप मेड़ाई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता बलवंत जुड़ेंगे। बलवंत, ट्रैक्टर देखिए अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 5 मजदूर घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? बता दें, जहां सरकार ने ट्रैक्टर पर रोक लगाई थी कि बैठकर यात्रा ना करें, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हादसा हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों के हीला हवाली के चलते हुआ है, क्योंकि इसमें रोक भी नहीं लगाई गई, न प्रशासन अगर आज होता तो आज ये हादसा ना होता। जी, बताया जा रहा है कि पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच चुकी थी, प्रशासन का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? प्रशासन से सर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी आंखें चुराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलवंत। बुलंदशहर में केनरा बैंक के पैनल रूम में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। घटना के दौरान मौके पर कस्बा वासियों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने भी आग बुझाने में पुलिस टीम की मदद की। आग की सूचना पर बैंक कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे शाखा प्रबंधक ने भी बैंक में लगे अग्निशमन सिलेंडरों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। रायबरेली में एक परिवार का आशियाना जलकर स्वाहा हो गया। बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के ग्राम गोविंद खेड़ा में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे एक घर जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने बताया कि वो अपनी 3 लड़कियों के साथ खेत पर गए हुए थे और उन्हें 73 वर्षीय पिता घर पर अकेले थे, और घर लौटते समय उन्हें आग की लपटें दिखाई दी, जिसे देखकर उन्होंने शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण एकजुट हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया है। घर में मौजूद बुजुर्ग भी झुलस गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता बलवंत जुड़ेंगे। बलवंत, देखिए घर में आग लगी है, क्या कुछ कारण बताया गया है, किस वजह से ये आग लगी जिसमें एक बुजुर्ग जो है वो झुलस गए थे? आपको बता दें, थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर आग लगी थी। आग का कारण अभी पता नहीं चल सका है, पुलिस जांच में जुटी है, और उसमें से 73 वर्षीय जो पिता राम खिलावन थे अपने खेतों में 3 लड़कियों के साथ घर पर थे उनके, बाकी देखा जाए तो अभी पुलिस इस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई, घटनाक्रम अभी पूरा कुछ पता नहीं हो पाया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलवंत। रायबरेली में प्रेमी के जेल जाने से प्रेमिका सदमे में चली गई और खाना पीना तक छोड़ दिया, जिस वजह से प्रेमिका की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि शहर में स्थित 181 वन स्टॉप सेंटर में गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 9 महीने बाद प्रेमी प्रेमिका को पकड़कर पूछताछ के लिए थाने ले गई। बयान के लिए किशोरी को 181 वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था, तभी प्रेमिका को पता चला कि उसके प्रेमी को जेल भेजा जाएगा। तब से प्रेमिका सदमे में आ गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। खाना छोड़ने के कारण वो अचानक बेहोश हो गई, जिससे वन स्टॉप सेंटर में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर महिला थाना अध्यक्ष ने किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया। अतुल पांडे, एमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायपुर। अभी एक महिला आई है, क्या मामला है? एक महिला आई है 18 साल की, गुरबख्श थाना क्षेत्र से, बेहोशी हालत में है, उसका यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। महिला को लाया कौन? पुलिस वाले लेके आए, वही ग्रुप महिला थाना के लोग।
भोपाल से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबका मन मोह लिया। जी हाँ, हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग शोभा यात्रा पर पुष्प अर्पित करते नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ रामनवमी के दिन देश भर में हिंसा देखने को मिली, तो वहीं हनुमान जयंती के अवसर पर गंगा जमुनी तहजीब को पेश करता ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो अपने आप में ही हिंसा भड़काने वालों के लिए खूबसूरत मिसाल है। बता दें कि भोपाल से एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जहां पर हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पुष्प अर्पित किया है। आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं कि ये वीडियो कितनी ही खूबसूरत नजर आ रही है। वहीं जहां पर रामनवमी पर देश भर में हिंसा देखने को मिली, वहीं हनुमान जयंती पर ये वीडियो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मिसाल बनती नजर आ रही है। बता दें कि हिंदू भाइयों ने खजूर खिलाकर वहां पर रोजा भी खुलवाया। भोपाल में देखी गई ये हनुमान जयंती की धूम आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है हनुमान जयंती के अवसर पर लोगों पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, ये तस्वीरों में आप सीधा देख रहे हैं। वहीं रामनवमी के अवसर पर देखा गया था कि देश भर में हिंसा देखने को मिली थी, जहाँ हनुमान जयंती पर ये वीडियो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।